Hey guys, shape up now to your wow. आज हम बात करने वाले हैं आपके पेट के बारे में, मतलब आपकी गट हेल्थ कैसी है इसके बारे में. Did you know आपकी पूप या आपकी पॉटी बताती है कि आपकी हेल्थ, इनफैक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रही है. तो कम लेट्स सी द ब्रिस्टल स्टूल चार्ट. इस चार्ट में आपको बताया जाता है कि जस्ट अगर आप अपनी पॉटी को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आप अपने स्टमक के फंक्शनिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. जैसे अगर फर्स्ट या सेकेंड टाइप की पॉटी ऑब्जर्व होती है, देन यू आर कॉन्स्टिपेटेड. और कॉन्स्टिपेशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर आप फाइबर अपने डाइट में डेली इंक्लूड कीजिए. जैसे कि अगर आप एप्पल्स खाते हैं तो उसको पील के साथ खाना है. डेली मॉर्निंग उठ के यू हैव टू टेक वन राइट बनाना और डेली आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है. सेकेंड टिप, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक एंड देन यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी. आप जितना ज़्यादा बैठ कर या सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बढ़ेगा. ओके, टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, 3, 4, 5 आर नॉर्मल पूप, आपका हेल्थ कंडीशन आर गुड, गट बैक्टीरिया वर्किंग गुड, एंड 6th and 7th केस में आपको डायरिया या लूज मोशंस है. सो इन दिस केस यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर. कुछ टिप्स जिसमें आप अपनी गट की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. बाय बाय.